प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, आज के कक्षाओं की शुरुआत मैं हरिवंश राय बच्चन जी के प्रसिद्ध कविता के साथ करना चाहूंगा। छगन माननीय हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी कविता में एक बहुत ही सुंदर संदेश दिया था, जो बीत गई सो बात गई, मानवो बेहद प्यारा था, जो टूट गया सो टूट गया, अंबर के तारे को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, पर टूटे हुए तारों पर कभी अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। छतगन, ये कविता आपके जीवन का भी एक संदेश है। जीवन में कभी भी जो घटनाएं हो चुकी हैं, चाहे वो अच्छी घटनाएं हैं या बुरी घटनाओं हो, आपको उन पर ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए, आपको उन पर ज्यादा टेंशन और तनाव नहीं लेना चाहिए। आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाएं, वर्तमान को सुधारें और भविष्य अपने आप ही उज्जवल बनेगा। अतीत के आईने में ज्यादा झांकने से तकलीफें होती हैं और नकारात्मक विचारों को यदि ज्यादा आप झांकते हैं तो और भी तकलीफ देती हैं। उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मुझे अपमानित किया, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, ये सब जो आप सोचते हैं, इससे क्या होता है, नकारात्मकता आती है। हमारे शरीर में नकारात्मक नेगेटिव हार्मोन्स निकलते हैं और हमारे शरीर के ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है छात्रगण, इसलिए हमेशा याद रखेंगे पॉजिटिव एनर्जी, वर्तमान में जिए और भविष्य को उज्जवल बनाएं। यही हरिवंश राय जी का कथन था, जो बीत गई सो बात गई। अब छात्रगण, इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ, इस जोश जज्बे और जुनून के साथ, इस हंसी खुशी के माहौल के साथ आज शुरुआत करते हैं हम लोग छात्रगण एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, विधान मंडल। हेडिंग बनाएंगे छात्रगण, विधान मंडल। हाँ, हेडिंग बन गई लाली हरा कलम से। हाँ, लिखेंगे छतगन, यह संविधान के अनुच्छेद 168 में है। यह संविधान के अनुच्छेद 168 में है। नेक्स्ट, यह संविधान के भाग 6 में है। संविधान के भाग 6 में है, भाग 6 में है, में है। नेक्स्ट, विधानमंडल के तीन अंग होते हैं। विधानमंडल के तीन अंग होते हैं, अंग होते हैं, होते हैं। नंबर एक, नंबर एक, राज्यपाल, राज्यपाल। नंबर दो, विधानसभा, राज्यपाल। नंबर एक, नंबर दो, विधानसभा, सभा। नंबर तीन, विधान परिषद, विधान परिषद, परिषद, परिषद। अब हेडिंग बनेगा छतगन, विधानसभा। राज्यपाल आप पहुंच चुके हैं, विधानमंडल के तीन अंग होते हैं छतगन, ध्यान रखिएगा क्या का सवाल पूछे जाएंगे। पूछेगा विधानमंडल संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 168 में है। विधानमंडल के तीन भाग कौन कौन होते हैं, तो छतगन, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद यदि राज्यों में है तो, है ना। तो छतगन, ये विधानमंडल के तीन अंग होते हैं जिसे आपको ध्यान में रखना होगा, मनन करना होगा, अध्ययन करना होगा और एक एक चीजों को छतगन याद रखना होगा। तो राज्य विधानमंडल के कितने अंग होते हैं छतगन, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। छतगन बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार से संसद के भी तीन अंग होते हैं छतगन, संसद के अंग हैं राष्ट्रपति नंबर एक, दूसरा अंग है लोकसभा और तीसरा अंग है राज्यसभा, है ना। तो छतगन, संसद के भी तीन अंग होते हैं, है ना, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक उसी प्रकार से किसी राज्य विधानमंडल के भी तीन अंग होते हैं, राज्यपाल,
एक विधानसभा, दो विधान परिषद, तीन। अब सवाल आपका बनेगा राज्य विधानमंडल संविधान के किस अनुच्छेद में है? 168 में है। पहला सवाल तैयार हो गया छात्रगण, ध्यान देंगे। दूसरा सवाल पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? छतगन, राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है सवाल पूछ रहा है। ऑप्शन में देगा विधानसभा, दूसरा ऑप्शन में देगा विधान परिषद, तीसरा ऑप्शन में देगा राज्यपाल, चौथा ऑप्शन में देगा मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री विधानमंडल का अंग नहीं होता है छतगन, तीन ही अंग होते हैं, इसलिए याद रखना है आपको। यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत हिट क्वेश्चन है, जबरदस्त रूप से आता है, इसलिए इस पर आपको पैनल निगाह रखनी होगी। एक एक चीजों को ध्यान रखना होगा, एक एक चीजों को मनन करना होगा, एक एक चीजों को स्मरण करना होगा, एक एक चीजों को छतगन याद रखना होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए छतगन। दूसरी बात जो आपको जाननी है, आपको मनन करना है, आपको याद रखना है, आपको गौर करना है, आपको स्मरण करना है, आपको एक बातों को ध्यान रखना है छतगण। विधानमंडल के जो तीनों अंग हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, छतगण राज्यपाल के बारे में हम लोगों ने डिटेल से अध्ययन कर लिया कि यह राज्य की कार्यपालिका का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, यह राज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी होता है, यह राज्य का कुलाधिपति भी होता है, ये सारे चीजों का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया छतगण। इसके बाद अब हम लोग जानेंगे विधानसभा के बारे में छतगण। हेडिंग बनाइएगा अपने नोट्स कॉपी में, विधानसभा। हाँ, नोट्स कॉपी में क्या हेडिंग बनेगी छतगण आपकी? विधानसभा, है ना, लिखिएगा। इसे राज्य का निम्न सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। नेक्स्ट, इसे विधानमंडल का प्रथम एवं लोकप्रिय सदन भी, इसे विधानमंडल का प्रथम एवं लोकप्रिय सदन भी, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, प्रथम एवं लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। नेक्स्ट, विधानसभा विधान परिषद से ज्यादा शक्तिशाली होता है, विधानसभा विधान परिषद से ज्यादा शक्तिशाली होता है, ज्यादा शक्तिशाली होता है, होता है। नेक्स्ट, तिरकंशन, इसके सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा चुना जाता है, अर्थात जनता सीधे तौर पर अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है, 500 हो सकती है, तथा न्यूनतम सदस्य संख्या
न्यूनतम सदस्य संख्या 60 60 हो सकती है, 60 हो सकती है, परंतु इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, परंतु इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं जो निम्नलिखित हैं। जो निम्नलिखित हैं नंबर एक, गोवा डैश देकर लिखेंगे 40 सदस्य। नंबर दो, अगला लिखेंगे छत्तीसगढ़, मिजोरम 40 सदस्य। नेक्स्ट लिखेंगे सिक्किम 32 सदस्य। 32 ब्रैकेट में लिख देंगे, सबसे कम सिक्किम 32 सदस्य ब्रैकेट में कर देंगे, सबसे कम कम। नेक्स्ट, विधानसभा में सबसे ज्यादा सदस्यों को भेजने वाला राज्य, विधानसभा में सबसे ज्यादा सदस्यों को भेजने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है। यहां से 403 विधायक चुनकर आते हैं, 403 विधायक चुनकर आते हैं। नेक्स्ट, विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम की कोई उम्र सीमा नहीं है। नेक्स्ट, विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया गया है
को आरक्षण दिया गया है, दिया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 332 में वर्णित हैं। संविधान के अनुच्छेद 332 में वर्णित हैं। नेक्स्ट, विधानसभा में राज्यपाल द्वारा एक एंग्लो इंडियन, एक आंग्ल भारतीय सदस्य की नियुक्ति की जाती है, आंग्ल भारतीय सदस्य की नियुक्ति या मनोनयन किया जाता है, मनोनयन किया जाता है जो संविधान के अनुच्छेद 333 में वर्णित है। नेक्स्ट, विधानसभा के अध्यक्षता विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं तथा उनकी अनुपस्थिति में विधानसभा के उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव। नेक्स्ट, विधानसभा का अध्यक्ष सत्ता पक्ष से चुना जाता है तथा उपाध्यक्ष विपक्ष से चुना जाता है। नेक्स्ट, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। नेक्स्ट, विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को कदाचार
के आरोप में, कदाचार के आरोप में मैं विधानसभा के सदस्यों के दो तिहाई अर्थात विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर पद से हटाया जा सकता है सकता है। नेक्स्ट, जब तक नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक विधानसभा की कार्रवाई चलाने के लिए तथा विधायकों को शपथ दिलाने के लिए विधायकों को शपथ दिलाने के लिए एक अस्थाई विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है जिसे प्रोटेम स्पीकर भी कहते हैं नेक्स्ट, प्रोटेम स्पीकर विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को चुना जाता है चुना जाता है। नेक्स्ट, प्रोटेम स्पीकर नए विधायकों को जो विधानसभा में चुनकर आते हैं उन्हें शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट, हेडिंग बनाएंगे छतगण, विधानसभा अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार। छतगण, क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा, पहले इतने दूर हम लोग समझ लें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। छतगण पूछेगा, विधानमंडल का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो छतगण आपका क्या जवाब होगा? विधानसभा को कहा जाता है निम्न सदन, ध्यान रखिएगा। पूछेगा, विधानमंडल के किस सदन को प्रथम सदन भी कहा जाता है?
तो विधानमंडल के विधानसभा को प्रथम सदन भी कहा जाता है। फिर आपसे पूछेगा विधानमंडल के किस सदन को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, तो विधानसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। छतगण फिर पूछेगा विधानसभा को निम्नलिखित में से कौन सा नाम या उपाधि नहीं दी गई है। नंबर एक प्रथम सदन, नंबर दो लोकप्रिय सदन, है ना, नंबर तीन दे देगा निम्न सदन, नंबर चार दे देगा उच्च सदन। तो क्या इसे उच्च सदन कहा गया है? क्या मैंने लिखाया है कि उच्च सदन है ये? नहीं, उच्च सदन विधान परिषद को कहा जाता है छात्रगण। जिस प्रकार केंद्र में राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य में विधानसभा को निम्न सदन और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा छात्रगण, पूछेगा विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति पर होता है। नंबर एक प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, नंबर दो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, नंबर तीन दोनों, नंबर चार इनमें से कोई नहीं। क्या लगाएंगे छात्रगण, क्या होगा आपका जवाब? मैं जानना चाहता हूं, गुरुकुल जानना चाहती है आपसे। छात्रगण आपको जवाब देना होगा प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। छात्रगण प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति क्या है? जनता सीधे तौर पर मतदान कर अपने जनप्रतिनिधि को, विधायक को चुनती है। आप भी अपने अपने क्षेत्र में वोटिंग करते होंगे, अपने विधायक को चुनते होंगे, तो छात्रगण आप खुद वोट देते हैं तब आप अपने विधायक को चुनते हैं, इसे ही कहा जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। छात्रगण बहुत इंपॉर्टेंट है। छात्रगण पूछेगा विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। एक विधायक को कितने वर्ष के लिए आप चुनते हैं छात्रगण, एक लोकसभा के सांसद को कितने वर्ष के लिए चुनते हैं? 5 साल। ध्यान रखिएगा, लोकसभा के सांसद को भी 5 साल और विधानसभा के सदस्य को भी, विधायक को भी 5 साल के लिए चुना जाता है। फिर पूछेगा विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। छात्रगण ऑप्शन देगा 20 वर्ष, दूसरा ऑप्शन में देगा 18 वर्ष, तीसरा ऑप्शन में देगा 25 वर्ष, चौथा ऑप्शन में देगा 30 वर्ष, पांचवा ऑप्शन में देगा 35 वर्ष। क्या लगाइएगा, क्या होगा आपका सही जवाब? जवाब दें मुझे आप। आपका सही जवाब होगा 25 वर्ष। छतगन 25 वर्ष से कम में आप विधायक नहीं बन सकते हैं। आपकी उम्र यदि 24 साल 11 महीने भी है तो आप नहीं बन सकते हैं। आपकी उम्र 25 साल हो जाएगी तभी आप विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं। देन यू आर एलिजिबल टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलए। ध्यान रखिएगा छतगण बहुत इंपॉर्टेंट है। विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है छतगण। विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है छतगण? 500 और न्यूनतम 60। अधिकतम हो सकती है छात्रगण 500। ध्यान रखिएगा आ चुका है क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में, सुपर हिट है, पका हुआ आम है, गिरेगा रोक लेना है छात्रगण, गिरने नहीं देना है गोबर पे, नहीं तो खराब हो जाएगा। छात्रगण पूछेगा किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। ऑप्शन में देगा 400, दूसरा ऑप्शन में देगा 450, तीसरा ऑप्शन में देगा 500, चौथा ऑप्शन में देगा 600। तो छतगण अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 500। ध्यान रखिएगा पूछेगा विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो छतगण न्यूनतम सदस्य संख्या का निर्धारण किया गया है 60, लेकिन इसके 3 अपवाद है छतगण। गोवा 40 है, मिजोरम 40 है और सिक्किम तो छतगण इन सबसे भी कम, मात्र 32। सबसे कम है छतगण सिक्किम में, गौर कीजिएगा, बहुत ही हिट क्वेश्चन है छतगण, इसलिए आपको इस पर पैनी निगाह रखनी होगी। पूछेगा विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम सदस्य संख्या 60 हो सकती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद नहीं है। सवाल को गौर से समझिएगा छतगण, कौन सा राज्य इसका अपवाद नहीं है। यूपीएससी, जेपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बड़े बड़े एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आपके नॉलेज का टेस्ट हो, आपने कितना डेप्थ नॉलेज प्राप्त किया है, आपके अध्ययन की बानगी कैसी है, आपने तह तक जाकर के अध्ययन किया है कि नहीं, कि ऊपर ऊपर केवल पहुंच चुके हैं। नहीं छात्रगण,
ऊपर ऊपर पढ़ करके कंपटीशन को नहीं निकाला जा सकता है जब तक आप तह तक नहीं जाइएगा, जब तक डेप्थ स्टडी नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षाओं में आप फेलियोर हो जाइएगा। इसलिए छात्रगण, विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोग UPSC और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये सवाल पूछे जाते हैं। छात्रगण, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन विधानसभा के न्यूनतम सदस्य संख्या के अपवाद वाला राज्य नहीं है? ऑप्शन देगा, नंबर एक गोवा, नंबर दो मिजोरम, नंबर तीन सिक्किम और नंबर चार दे देगा छात्रगण आपको केरल। तो छात्रगण क्या लगाइएगा आप, केरल इसका अपवाद नहीं है क्योंकि केरल में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से ज्यादा है। इसलिए आपको यह याद रखना होगा कि गोवा में कितने हैं, मात्र 40 हैं, मिजोरम में कितने हैं, मात्र 40 हैं, सिक्किम में कितने हैं, 32 है। सबसे कम पूछेगा भारत में किस विधानसभा में, किस राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या सबसे कम है, विधायकों की संख्या सबसे कम है, सबसे कम विधायक प्रतिनिधि हैं? छत्तीसगढ़ सिक्किम में सबसे कम है, ओनली 32 MLAs। और सबसे ज्यादा कहां है छत्तीसगढ़, यूपी 403। ध्यान दीजिएगा, पूछेगा भारत में सबसे ज्यादा विधायकों वाला राज्य कौन है, तो छत्तीसगढ़ आपको लगाना होगा उत्तर प्रदेश राज्य सबसे ज्यादा विधायकों वाला राज्य है, जिसके विधायकों की संख्या 403 है। छत्तीसगढ़ इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी स्मरण करना होगा, इसे भी छत्तीसगढ़ याद रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ फिर आपसे सवाल पूछे जाएंगे, विधानसभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। केंद्र में लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो राज्यसभा के सभापति अध्यक्ष उपराष्ट्रपति करते हैं। छत्तीसगढ़ उसी प्रकार से विधानसभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। वो यदि अनुपस्थित हैं, अस्वस्थ हैं, अस्पताल में भर्ती है, विदेश यात्रा पे गए हुए हैं, तब कौन करेंगे छत्तीसगढ़, विधानसभा के उपाध्यक्ष करेंगे, है ना? ऐसी स्थिति में कौन करेंगे, विधानसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष महोदय को यदि इस्तीफा देना है तो किसे देंगे, उपाध्यक्ष को देंगे। उपाध्यक्ष को यदि इस्तीफा देना है तो किसको देंगे, अध्यक्ष को देंगे। दोनों के बीच गिफ्ट हैंड टेक चलता है, गिफ्ट के बदले रिटर्न गिफ्ट जैसे आप देते हैं, है ना? तो छत्तीसगढ़ ये भी क्वेश्चन आ चुका है, पूछेगा विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा की कार्रवाई का संचालन कौन करता है? नंबर एक विधानसभा के सचिव, नंबर दो सबसे वरिष्ठ विधायक, नंबर तीन प्रोटेम स्पीकर, नंबर चार विधानसभा के उपाध्यक्ष। तो आपको लगाना होगा विधानसभा के उपाध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है? ऑप्शन में देगा विधानसभा के सचिव को, दूसरा देगा प्रोटेम स्पीकर को, तीसरा देगा राज्यपाल को, चौथा देगा विधानसभा के उपाध्यक्ष को। तो आपको लगाना होगा विधानसभा के उपाध्यक्ष को देता है इस्तीफा। विधानसभा का उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है? विधानसभा के अध्यक्ष को देता है। यह भी आपको छत्तीसगढ़ ध्यान में रखना होगा, बहुत बहुत हिट क्वेश्चन है, बच्चे पद से आता है। छत्तीसगढ़ विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित की जाती हैं। छत्तीसगढ़ पूछेगा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में सीटों का आरक्षण किया गया है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 332 में है, 332 में है। छत्तीसगढ़ पूछेगा अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में सीटों का आरक्षण किया गया है, नंबर एक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए, नंबर दो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, नंबर तीन महिलाओं के लिए, नंबर चार आंग्ल भारतीय समुदाय या एंग्लो इंडियन के लिए। तो क्या लगाएंगे छात्रगण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए किया गया है। इसे भी आपको पैनी निगाह रखनी होगी, इसे भी ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी स्मरण करना होगा, और एक एक चीजों को छात्रगण याद रखना होगा, एक एक चीजों को गौर करना होगा, एक एक चीजों को ध्यान रखना होगा। छात्रगण विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, कहां से चुने जाते हैं? छात्रगण एक व्यक्ति जो विधानसभा का सदस्य है वही अध्यक्ष बन सकता है, एक व्यक्ति जो विधानसभा का सदस्य है विधायक है वही उपाध्यक्ष भी बन सकता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य लोग आपस में मिलकर के ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। विधानसभा के सदस्य आपस में मिलकर के ही छत्तीसगढ़ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी स्मरण करना होगा, इसे भी याद रखना होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष या और उपाध्यक्ष पर यदि भ्रष्टाचार का कदाचार का आरोप लगता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? छत्तीसगढ़
विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर यदि भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो विधानसभा के सदस्य अपने विशेष बहुमत अर्थात 2/3 के द्वारा इन्हें पद से हटा सकते हैं। ध्यान रखिएगा छत्कर, है ना, तो विशेष बहुमत की जरूरत होगी पद से हटाने के लिए, 2/3 के विशेष बहुमत की जरूरत होती है, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। फिर छत्कर आपसे पूछेगा, उसको भी गौर कीजिएगा, उसको भी याद रखिएगा, उसको भी मनन कीजिएगा और एक एक चीजों का स्मरण कीजिएगा, एक एक चीजों को याद रखिएगा। छतगन ध्यान दीजिएगा, पूछेगा विधानसभा के नए सत्र की शुरुआत होती है, नए विधानसभा का गठन होता है, विधानसभा के चुनाव होते हैं, नए विधायक चुन कर आते हैं, जब तक नए विधायक स्वयं के बीच से विधानसभा अध्यक्ष को नहीं चुन लेते, जैसे छतगन आप जानते हैं विधानसभा का अध्यक्ष हमेशा सत्ता पक्ष का ही व्यक्ति होता है और उपाध्यक्ष विपक्ष का व्यक्ति को बनाया जाता है। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष सत्ता पक्ष का होता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष विपक्ष का होता है छतगन, ठीक उसी प्रकार से ध्यान देंगे विधानसभा का अध्यक्ष सत्ता पक्ष का होता है, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष सत्ता पक्ष का होता है वैसे विधानसभा का अध्यक्ष किस पक्ष का होता है छतगन, सत्ता पक्ष का होता है और विधानसभा का उपाध्यक्ष विपक्ष का होता है। छतगन जब तक नए चुनकर आए गए विधायक अपने ही बीच से नए विधानसभा अध्यक्ष को नहीं चुन लेते हैं तब तक के लिए सदन अपने चुनकर आए गए विधायकों में से सबसे मोस्ट सीनियर वरिष्ठ सदस्य को, सबसे ज्यादा अनुभवी सदस्य को प्रोटेम स्पीकर चुनती है छतगन, जिसे अस्थाई विधानसभा अध्यक्ष भी कहा जाता है। प्रोटेम स्पीकर आपने केंद्र में भी पढ़ा है, राज्य में भी पढ़ा है छतगन, लोकसभा में भी जब तक नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है तो उस समय तक के लिए लोकसभा के अध्यक्षों को, लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए, लोकसभा की कार्रवाई को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जिसकी नियुक्ति की जाती है वो क्या कहलाते हैं, प्रोटेम स्पीकर कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से छतगन राज्य में भी विधानसभा में जब तक नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक सदन की कार्रवाई चलाने के लिए जिस पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है उसे प्रोटेम स्पीकर या अस्थाई विधानसभा अध्यक्ष कहा जाता है। छतगन जिस प्रकार केंद्र में प्रोटेम स्पीकर नए विधायकों को शपथ दिलाते हैं, ठीक उसी प्रकार नए सांसदों को शपथ दिलाते हैं लोकसभा में, ठीक उसी प्रकार से राज्य में विधानसभा में नए विधायकों को शपथ दिलाते हैं प्रोटेम स्पीकर साहब, ध्यान रखिएगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छतगन दूसरी बात आपसे पूछी जाएगी, उसे भी आपको ध्यान रखना होगा और उसे भी याद रखना होगा। छतगन विधानसभा की कार्रवाई को सुचारू ढंग से चलाने वाले व्यक्तित्व का नाम विधानसभा का अध्यक्ष होता है। छतगन विधानसभा अध्यक्ष के क्या कार्य और अधिकार हैं, अब हम लोग इसी को जानेंगे विधानसभा का परिचय के बाद। हेडिंग बनेगा विधानसभा अध्यक्ष के कार्य और अधिकार, लालिया हरा कलम से। विधानसभा अध्यक्ष के कार्य और अधिकार, लिखे कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, है या नहीं, इसका निर्णय कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा के अध्यक्ष लेते हैं। सेम लोकसभा वाला छात्र, लोकसभा के अध्यक्ष जो काम करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष ही सत्यापित करते हैं कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ये परिभाषित कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक उसी प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष, सेम कंडीशन है छतगन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय या इसका सत्यापन कौन करते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं छतगन। सेम कंपैरिजन स्टडी कीजिए, तुलनात्मक अध्ययन तुरंत याद हो जाएगा आपको, केंद्र और राज्य तुलना कीजिए। नेक्स्ट आइए, विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से ही कोई भी सदस्य अपने विचार, अपने
विचार प्रकट कर सकता है। कोई भी सदस्य अपने विचार प्रकट कर सकता है, कर सकता है। नेक्स्ट, यदि कोई विधायक अनुशासन विरुद्ध कार्य करता है, यदि कोई विधायक अनुशासन विरुद्ध कार्य करता है तो उसे दंड देने का अधिकार, उसे दंड देने का अधिकार अधिकार विधानसभा के अध्यक्ष को है, विधानसभा के अध्यक्ष को है। नेक्स्ट, विधानसभा की कार्रवाई को विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की कार्रवाई को सुचारू ढंग से संविधान के नियमों के अनुसार चलाता है। नेक्स्ट, यदि विधानसभा में किसी विधेयक पर या किसी प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बराबर की स्थिति हो जाए तो निर्णायक मत देने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को है। छठगन, ध्यान दीजिएगा क्या सवाल पूछे जाएंगे। पूछेगा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, विधानमंडल में या विधानसभा में इसका निर्णय कौन लेता है? लिखेगा राज्य के वित्त मंत्री, दूसरा देगा मुख्यमंत्री, तीसरा देगा वित्त सचिव, चौथा देगा विधानसभा के अध्यक्ष। क्या लगाइएगा छतगन? विधानसभा के अध्यक्ष लेते हैं निर्णय। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेते हैं? विधानसभा के अध्यक्ष लेते हैं। विधानसभा की कार्रवाई को सुचारू ढंग से कौन चलाते हैं? विधानसभा के अध्यक्ष चलाते हैं। विधानसभा में यदि कोई विधायक अनुशासन का उल्लंघन करता है, गैर अनुशासन का कार्य करता है, तो फिर उसे दंड देने का अधिकार किसे है? विधानसभा के अध्यक्ष को है। छतगन, विधानसभा में यदि वोटिंग के दौरान, मतदान के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मामला बराबर हो जाए, तो ऐसे में निर्णायक वोट देने का अधिकार किसे है? विधानसभा के अध्यक्ष को है। यही निर्णायक वोट देते हैं छतगन, और इसी से बाजी पलट सकती है। इनका वोट जिसे चला जाएगा वही विजेता बन जाएगा। लेकिन ये कब वोट दे पाएंगे? जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बराबरी का मामला हो जाए, मैच ड्रॉ हो जाएगा, तभी ये वोट दे पाएंगे। ऐसे नहीं दे पाएंगे छतगन, ऐसे इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। छतगन, विधानसभा अध्यक्ष के कार्य और अधिकार से सवाल पूछे जाते हैं, आपको इसे ध्यान रखना होगा, मनन करना होगा और याद रखना होगा। पूछेगा विधानसभा अध्यक्ष का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? नंबर एक,
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लेना। नंबर दो, विधानसभा की कार्रवाई को सुचारू ढंग से चलाना। नंबर तीन, विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बराबर की स्थिति आने पर निर्णायक मत देना। नंबर चार, विधानसभा में बजट प्रस्तुत करवाना। छतगन, विधानसभा में बजट प्रस्तुत करवाना विधानसभा अध्यक्ष का कार्य नहीं है, राज्यपाल का कार्य है। राज्य के वित्त मंत्री राज्यपाल से अनुमति लेते हैं तब विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति से अनुमति लेते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री तब लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से विधानसभा में यदि बजट प्रस्तुत करना है तो विधानसभा अध्यक्ष से अनुमति नहीं लेनी होगी। किससे अनुमति लेंगे? राज्य के वित्त मंत्री, राज्यपाल से लेते हैं छतगन। तो ये सब बारीक बातें आप जब तक नहीं जानेंगे, ये महीनी बातें नहीं जानेंगे, तब तक भूल जाए कि सवाल आपसे हल हो पाएंगे। छतगन, सवालों को हल कर पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए छतगन ध्यान दें, मनन करें और एक चीजों को याद रखें, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हेडिंग बनेगा छतगन, विभिन्न राज्यों में विधानसभा की सीटें, विभिन्न राज्यों में विधानसभा की सीटें सीटें इससे भी सवाल पूछे जाते हैं छतगन। चलिए सबसे पहले लिखेंगे छतगन, उत्तर प्रदेश 403, दूसरा लिखेंगे छतगन पश्चिम बंगाल 294, तीसरा लिखेंगे महाराष्ट्र 288, चौथा लिखेंगे बिहार 243, नेक्स्ट लिखेंगे तमिलनाडु 234, तमिलनाडु 234, नेक्स्ट मध्य प्रदेश 56, मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल सीटों की संख्या है 230, नेक्स्ट कर्नाटक 224, राजस्थान 200, गुजरात 182, नेक्स्ट आंध्र प्रदेश 175, असम, असम का नया नाम छतगन, असम 126, हरियाणा 90, जम्मू कश्मीर अभी केंद्रशासित प्रदेश बन गया छतगन, यहां पे विधानसभा की सीटें हैं 87, हिमाचल प्रदेश 68, केरल 140, मणिपुर 60, मेघालय 60, नागालैंड 60, ओडिशा नया नाम 147, पंजाब 117, त्रिपुरा 60, अरुणाचल प्रदेश 60, छत्तीसगढ़ 90, उत्तराखंड
70, तेलंगाना 119, झारखंड 82, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है 70, पांडिचेरी या पुडुचेरी 30, पांडिचेरी या पुडुचेरी 30। तो ये है छात्रगण, विधानसभा में विभिन्न राज्यों के सीटों की संख्या जिससे सवाल पूछे जाते हैं। दे देगा छात्रगण चार राज्य का नाम, दे देगा ऑप्शन में पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और बोलेगा इन राज्यों को विधानसभा के सीटों के अनुसार क्रम से सजाएं, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो अवरोही क्रम में सजाएं या आरोही क्रम में सजाएं। तो छात्रगण जब तक आप नहीं जानेगा कि इन राज्यों में सीटों की संख्या कितनी है, तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। छात्रगण वो जमाना लद गया जब केवल पूछा जाता था कि सबसे ज्यादा और सबसे कम का बताओ, अब नहीं छात्रगण, कॉम्पिटिशन ज्यादा रफ्तार पकड़ चुका है, कुछ सीटों के लिए लाखों लाख लोग बैठते हैं, इसलिए अब सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट की नीति काम करती है। जिस प्रकार बड़ी मछली छोटे मछली को खा जाती है, कम जानने वाला जो है वह कंपटीशन से बाहर हो जाता है और ज्यादा जानने वाला कम जानने वालों को अपने रास्ते से हटा देता है। ठीक उसी प्रकार छात्रगण कंपटीशन में चूंकि पैटर्न ऑफ क्वेश्चन अब बदल गए हैं, इसलिए आपको भी जैसा देवता वैसा पूजा वैसे ही तैयारी करनी होगी, उसी तरीके से अपना जो है अंदाज को बदलना होगा। तो छात्रगण अब आपको सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधायकों के नंबर्स याद रखने होंगे ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्रॉनिकल ऑर्डर में सजाने के लिए आए तब भी दिक्कत ना हो, सिंगल सिंगल पूछ दे तब भी दिक्कत ना हो। आजकल हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में सिंगल सिंगल पूछता है, क्यों? देखना चाहता है कि आपको बारीक जानकारी है कि नहीं। छात्रगण यही सब क्वेश्चन डिसाइडिंग होते हैं, इन सब क्वेश्चन को लोग छोड़ देते हैं। और याद रखिए, कॉम्पिटिशन में जो स्टूडेंट जिस क्वेश्चन को छोड़ता है, आपने उसे बना लिया, तो फिर आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। यही कॉम्पिटिशन का फंडा है छात्रगण, ध्यान दीजिएगा। छात्रगण विधानसभा की सीटें आपको याद रखनी होगी, ये जरूरी भी है और मजबूरी भी है। करेला कड़वा जरूर होता है लेकिन खून को साफ करता है, ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है, इसलिए उसे खा लेना ही उचित होता है क्योंकि वह हमारे शरीर और स्वास्थ्य की रक्षा करता है छात्रगण। तो आज इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग कक्षाओं को विराम लगाएंगे छात्रगण। अगली कक्षाओं में हम लोग जानेंगे विधान परिषद के बारे में। विधानसभा का आज हम लोगों ने समापन कर लिया छात्रगण। अगली कक्षाओं में हम लोग क्या पढ़ेंगे? उच्च सदन, किसी भी राज्य विधानमंडल का उच्च सदन जिसे किसे कहा जाता है, तो विधान परिषद को कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद।